हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गार्डनिंग प्लेस। आज मैं अपने छत पे बने गार्डन का अपडेट दूंगी और डिटेल में दिखाऊंगी कि मैं आप मेरे घर में मेरे छत पे क्या कौन कौन से पौधे लगे हैं और वो पौधों की प्रोग्रेस क्या है, वो कैसे कैसे बड़े हो रहे हैं। देखिए, आप पीछे मेरे पीछे गोभी लगी है जिसको मैं आपको दिखाऊंगी कि छत पे गोभी भी लग सकती है, टमाटर भी लग सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए, तो मैं स्टार्ट करूंगी अपने इस कॉर्नर से। यहाँ पे मेरे पास 5 बोगनविलिया के पौधे हैं और ये देखिए, ये वाइट और पिंक में शेडेड है और ये हॉट पिंक है, पीच कलर है। तो ये मेरे बोगनविलिया और जेड का कॉर्नर है। और आगे देखिए तो ये क्यारी है जिसके अंदर मैंने गोभी लगा रखी है। और अभी तक किसी ने मेरे से पूछा था कि आप साथ साथ फर्टिलाइज़र भी बताया करिए, तो मैंने इसके अंदर अभी गोबर की खाद डाल रखी है और बोन मील डाल रखी है। जब मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी तो मैं उसके अंदर और खाद ऐड करूँगी। और ये मेरे बैंगन का पौधा है जिसके अंदर देखिए ये फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है बहुत सारी, मैंने इसको प्रून कर दिया था तो ये इसमें अब फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरी टमाटो की क्यारी है और मैं इसमें कुछ कुछ टाइम में, यानी कि 15 से 20 दिनों में इसमें थोड़ा सा कैल्शियम ऐड कर देती हूँ क्योंकि टमाटोज़ को कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वो बहुत जल्दी डेफिशिएंट हो जाते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत जल्दी होती है। देखिए कितने अच्छे टमाटर आ रहे हैं इसके अंदर। जैसे जैसे थोड़ी और टाइम बीतेगा तो ये रेड होना स्टार्ट होंगे और अगर ये जल्दी रेड नहीं होंगे तो मैं थोड़े से तोड़ लूँगी, और क्योंकि ये घर में भी रख के रेड हो जाते हैं जैसे कि और टमाटर इसमें आ सके। और अगर आपके टमाटर के फूल कन्वर्ट नहीं हो रहे टमाटर में तो आप इसको हल्का सा जेंटल टैप ऐसे दीजिए तो ये पॉलिनेट हो जाते हैं, क्योंकि इसका मेल और फीमेल फ्लावर टमाटर का एक ही फूल के अंदर होता है। तो देखिए ये मेरी टमाटोज की क्यारी है और यहाँ पे देखिए एक टमाटो मेरा थोड़ा सा राइप होना स्टार्ट हुआ है और शायद मुझे एक आप सबके साथ एक राइप टमाटो मिल भी गया। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से ये राइप हुआ है। तो ऐसे मुझे ढूंढने पड़ेंगे, ये मेरी बहुत बड़ी क्यारी है जिसके अंदर मैंने टमाटर लगा रखे हैं। ये देखिए अगर आपको टमाटोज़ के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको टमाटोज़ की डिटेल वीडियो दूंगी। टमाटोज़ के अंदर हमारे को टाइम टू टाइम, यानी कि 15 से 20 दिनों के अंदर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और कैल्शियम डालना पड़ता है, क्योंकि उससे ये पौधे, क्योंकि ये जो पौधा है ये मुझे 6 महीने तक फ्रूटिंग देगा तो इसको फीड उसी हिसाब से हमें कराना होगा जिससे कि हमें फ्रूटिंग कंटिन्यूसली मिलती रहे। और इसके जो, क्योंकि ये फ्रूटिंग भी कर रहा होता है फ्लावरिंग भी कर रहा होता है तो इसको ये हैवी फीडर होता है टमाटो। और ये मेरी गोभी की क्यारी है ये देखिए, और ये टमाटो का पौधा अपने आप निकला है और कितना बड़ा हो चुका है ये। इसको मैं सपोर्ट देती हूँ, ये फिर भी गिर जाता है, इसको मुझे बांधना पड़ेगा। ये देखिए ये अपने आप निकला है तो कितना बड़ा पौधा है, 4 फीट का पौधा है ये कम से कम। और ये देखिए गोभी आनी स्टार्ट हो चुकी है, ये भी पौधा मेरा गिर गया है टमाटर का। और ये मेरी गोभी की क्यारी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी गोभी आ रही है इसके अंदर, यहाँ भी आ रही है, बहुत सारी गोभियाँ होनी स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं इनकी हार्वेस्टिंग वीडियो बनाऊँगी आप सबके साथ। ये देखिए ये सब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है मेरी गोभी। मैं सारी गोभी एक साथ नहीं लगाती, मैं इंटरवल में, डिफरेंट इंटरवल में गोभी लगाती हूँ जिससे कि मुझे लगातार गोभी ना मिले, क्योंकि अगर लगातार मिलती रहेगी तो उसका कंजम्पशन इतना नहीं होता। तो बैचेस में गोभी निकलनी चाहिए, इस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए। पहले मुझे नहीं पता था, मैं न्यू थी गार्डनर, लेकिन अब मुझे इस बारे में आइडिया है तो मैं 15 से 20 दिन के बाद एक नई पौध लगाती हूँ जिससे कि मुझे टाइम टू टाइम गोभी मिलती रहे। ये देखिए यहाँ एक मूली भी लगा रखी है, यहाँ मूली भी हो रही है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, मूली होना स्टार्ट हो गई है। ये डिफरेंट पत्ते हैं जो सॉफ्ट वाले होते हैं, वरना इस बाकी पत्तों में थोड़े से कांटे होते हैं। और मैंने बीच बीच में सरसों लगा रखी है,
कि और ये सरसों की जो होती है पेस्ट कंट्रोल का काम भी करती है, अगर कीड़े लगेंगे तो पहले इसमें लगेंगे और गोभी के पत्ते सेफ रहेंगे। तो मैं बीच बीच में सरसों लगा देती हूँ, और मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया भी था कि मैं हर जगह पर सरसों और मटर के दाने लगाती हूँ। ये देखिए मटर के पौधे भी हैं यहाँ पर, ये पर्पल गोभी है, सब पर्पल गोभी है, ये कैबेज लगी हुई है, यहाँ ब्रोकली गोभी सब लगा हुआ है, और इसी मेरी क्यारी के अंदर ये मेरे पपीते का पौधा है, और यहाँ देखिए पपीते के फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं छोटे छोटे। ये मेरे नींबू का पौधा है, मैंने इसकी प्रूनिंग की थी तो देखिए इसके अंदर नई कल्ले आने स्टार्ट हो गए हैं, नई शूट्स आ रही हैं। और ये मेरे गमले में ग्रो बैग में 24x24 के ग्रो बैग में लगा हुआ सहजन का पेड़ है, यानी कि मोरिंगा का पेड़ है। तो उसकी हाइट देखिए कितनी ऊँचा हो चुका है ये पौधा, और ये पहले भी मुझे ड्रम स्टिक दे चुका है तो ये अभी भी देगा ड्रम स्टिक्स। और ये मेरे ग्राफ्टेड जामुन का पौधा है, इधर मेरे अमरूद का पौधा है, इधर मेरे ताइवान अमरूद का पौधा है, और यहाँ पर भी मैंने गेंदा लगा रखा है। ये मेरी क्यारी है जिसके अंदर ये बेजिल लगा हुआ है, इस बेजिल को मुझे कट करना होगा। देखिए इसमें कितनी सारी हनी बीज आ रही हैं, क्योंकि जैसे ये इसके ऊपर जब ये बीजे स्टार्ट हो जाते हैं तो ये बेजिल या तुलसी का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, या हो सकता है ये मर भी जाए, तो मैं इसको कट कर दूंगी जिससे कि, या और प्रून कर दूंगी जिससे कि ये फिर से बना रहे ऐसे ही। तो ये मेरी क्यारी है, और ये देखिए गुलदावरी के अंदर भी कलियां आने लगी हैं, मैंने फूलों के सब्जियों के साथ ही फूल लगा रखे हैं। और ये मेरे कैबेज भी यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे मेरी मूली हो रही है, ये देखिए मूली भी अंदर हो रही है, दिख रही होगी वाइट वाइट यहाँ पे। इस मूली की ऑर्गेनिक मूली है तो उसके पत्तों की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और इधर मेरी ब्रोकली लगी है, बीटरूट लगा है, ये देखिए ये बीटरूट भी होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी बोन मील भी डालूंगी, और मैं एक टिप आपको और देती हूँ साथ साथ, अगर इतनी अगर ये बीटरूट बाहर आ जाए तो आप इसको मिट्टी से ही ऐसे कवर कर दीजिए तो इसकी जो गांठ है वो मोटी होती जाएगी। इसी आए मैं इसको कवर कर दूंगी, इधर भी एक बाहर निकल रहा है तो मैं इसको भी कवर कर दूंगी तो इसकी गांठ मोटी हो जाएगी। और हमें गोभी में भी इस टाइप से मेड़ बनानी पड़ती है जैसे मैंने बनाई है, तो उसे गोभी की गांठ भी मोटी आती है। अब आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए गोभी का पौधा, इसके अंदर एक गोभी ये ट्रिपलेट्स है, इसके अंदर ये गोभी है एक आ रही है, और एक ये है इसके अंदर, एक इधर आ रहा है, तो ये ट्रिपलेट्स पौधा है, इसमें तीन गोभी आएंगी। कभी कभी कोई बीज ऐसा भी निकल जाता है। और इधर चुकंदर लगा है, इधर ब्रोकली लगी है, और गोभी लगी है मिला के। फ्रूट प्लांट्स लगे हैं, देखिए एप्पल बेर के अंदर एप्पल बेर आने स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ भी आ रहा है। और इस एप्पल बेर का जो पौधा है, ये जो पौधा है मेरा 10x10 के गमले में लगा है, और इसके अंदर देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो मेरे पास दो वैरायटी है, एक ये बाल सुंदरी एप्पल बेर है और एक नॉर्मल ग्रीन वाला एप्पल बेर है। ये देखिए कितनी सुंदर फ्रूटिंग यहाँ पर हो रही है। और ये मेरे आड़ू का पौधा है जो कि मैंने 10x10 के गमले में लगा रखा है, इसको नेक्स्ट मानसून सीजन में मैं शिफ्ट करूँगी बड़े गमले में। ये मेरे चीकू का पौधा है, काला पत्ती चीकू का पौधा है, ये अमरूद है, और इधर अंजीर का पौधा है। ये इस क्यारी में मैंने मिर्च लगा रखी है, और मिर्च के साथ अपने कुछ मैंने पौधे तैयार किए थे जो कि मुझे शिफ्ट करने हैं, अभी ट्रांसप्लांट करने हैं। ये मेरे पर्पल गोभी के पौधे हैं, और ये ब्रोकली के पौधे हैं, इधर लेटस लगा हुआ है छोटा सा, इधर बीटरूट लगाया है। तो मैं कॉम्बिनेशन रखती हूँ हर चीज़ का एक ही कंटेनर के अंदर। और ये मेरे टमाटर लगे हैं अगेन, इसके अंदर भी फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन फ्लावरिंग हो रही है। और टमाटर को आपको हमेशा किसी न किसी स्टिक से इस तरीके से आपको सहारा देना है, क्योंकि उसके फ्रूट्स हैवी होते हैं ना, तो इनके जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो वो इसको सपोर्ट चाहिए होता है इनको फ्रूटिंग के लिए। ये देखिए छोटे छोटे पौधे हैं ये मेरे टमाटर के, ये बड़े होंगे तो इसको भी मैं सपोर्ट दूंगी। जैसे मेरा ये पौधा गिर गया है, इसको भी मैं सपोर्ट दूंगी, नेट के साथ है ये।
टमाटो में जैसे ये देख रहे हैं ये सकर है और इसके अंदर देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसको हमको निकाल देना है जिससे कि टमाटो का पौधा अपनी ग्रोथ अच्छे से ले सके, क्योंकि ये पौधा सारी एनर्जी ले देगा और अगर इस पौधे को मैं कहीं पे लगाऊंगी तो ये एक सेपरेट पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आप सबके सामने लगाती हूँ, नेक्स्ट टाइम किसी शॉट में मैं शेयर करूंगी। ये देखिए ये एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी टेरेस में बहुत कुछ है आप सबको दिखाने के लिए, तो ये जो टेरेस का जो ओवरव्यू है मैं दो पार्ट में डालूंगी। तो अभी तक का पार्ट ये पार्ट वन है और सेकंड पार्ट भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगी। तो अभी तक का इतना ही अपडेट, और नई वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ मैं नई वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरा अपडेट की और मेरे ओवरव्यू पसंद आया हो मेरे टेरेस का और मेरे गार्डन का, तो और मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।